हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा मंडल श्री रेणुका जी ने संगडाहा के विश्व विख्यात पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी पार्क में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दीप प्रज्वलित कर और वंदे मातरम गीत के साथ की। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के 130 पोलिंग बूथों के हजारों पन्ना प्रमुखों और भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जहां पन्ना प्रमुखों को चुनावी टिप्स दिए, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सभी को 1 जून तक मैदान में डटे रहने का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 10 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिमाचल की वर्तमान सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। वो केवल भाजपा में शामिल हुए विधायकों को अपशब्द ही कह रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के शिमला से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार रखे। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल निराशा भरा, हताशा भरा और ये कहा जाए कि सबसे निकम्मा ऐसा कार्यकाल। इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, बाकी अन्य मंत्री अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर वोट मांग रहे हैं। माननीय पूर्व विधायकों को, जनता के प्रतिनिधियों को गाली दे करके वोट मांग। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा उत्थान और किसान कल्याण के नाम पर वोट। मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्ष में समाज कल्याण के काम किए हैं उसके आधार पर वोट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।